हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। वेलकम बैक टू माय वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। पीछे से कौन हेलो हेलो कर रहा है? हेलो हेलो हेलो, कैमरा देख ही नहीं शुरू हो जाती है हेलो हेलो करने में। बाय द वे, आज कुछ खास नहीं है, मतलब खास नहीं है, खास भी है, बहुत ही खास है। हेलो गाइस, सभी मैं पलट चल रही हूं। तो खास इसीलिए है कि आज मेरे पापा आ रहे हैं मेरे घर। नाचो तो आज मेरे पापा आ रहे हैं, बहुत दिन के बाद आ रहे हैं पापा। वैसे मम्मी आई थी बीच में, लेकिन पापा नहीं आ पाए थे, बिकॉज घर में किसी ना किसी को रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में ना 4-5 डॉगी है, तो उसको देखभाल करने के लिए किसी ना किसी को स्टे करना पड़ता है घर में। दोनों साथ में छोड़ के घर नहीं आ सकते है, तो आज पापा अकेले आ रहे हैं। स्पेशली आज आने का रीजन ये है कि मानवी के लिए एक्चुअली मम्मी ने बहुत सारा चीज खरीद के रखा था, मतलब सरस्वती पूजा सामने आने वाला है, तो साड़ी, छोटा बच्चा लोग का होता है ना वो सब चीज, उसके अंदर 2 लिखो। तो मानवी के लिए ना मम्मी साड़ी, मतलब तुम रख दो, हम बाद में करवा देंगे, ठीक है? हाँ, उसके अंदर अंदर ही लिखो, ठीक है? तो साड़ी और क्या क्या बोली, खिलौना विलौना पता नहीं, उसने कुछ डिमांड किया था मानवी ने। मतलब जब भी मेरे पापा मम्मी कोई भी आते हैं, तो मानवी के लिए कुछ ना कुछ मतलब लाना ही है। तो अच्छा ठीक है, आप रख दो, हम देख लेंगे, ठीक है? देख ली हूँ, देखो मानवी ने कितना अच्छा होमवर्क किया है ना, बहुत अच्छा होमवर्क हुआ है, वेरी गुड। मतलब पापा वैसे हमेशा तो आते नहीं है, लेकिन अकेले आ रहे हैं। एक्चुअली मम्मी आने से और अच्छा होता है, तो आज पापा के लिए आ रहे। पापा के लिए आज हम क्या बना रहे हैं आपको, चलो दिखाते हैं। वैसे टाइम तो ऑलमोस्ट हो चुका है आने का, वैसे हम दिखा देते हैं। घर का हालत बहुत ही मेसी होके रखा है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोटा मछली, आप लोगों को पता है, मतलब छोटा वाला जिसको मोरला मछली कहते हैं ना वो। तो यहाँ पे मैं फ्राई करने के लिए, ऑलमोस्ट मेरा राइस कम्प्लीट हो चुका है, मैं अभी फिश बना रही हूँ। ये है मोरला मछली, जिसको और थोड़ा क्रंची के साथ फ्राई करना पड़ेगा। कलर द आंसर, ईच सेट हैज टू ऑब्जेक्ट, लुक एट द क्वेश्चन फॉर ईच सेट एंड कलर द आंसर, विच वन इज अवेलेबल इन द मार्केट। बाबू इधर आओ, लिसन, इधर आओ, इधर बैठो, इधर बैठो। देखो क्या है, व्हाट इज दिस, पहले बताओ ये क्या है? चांद। दिस इज व्हाट, इंडिया। ये एक झापड़ मारेंगे हम, सी हो जाएगी। क्या चांद है क्या? नहीं। कैबेज है ये? ये कैबेज है। और ये क्या है? एलिफेंट। तो आपको मार्केट में क्या मिलता है, कैबेज मिलता है कि एलिफेंट मिलता है? वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, कैबेज को कलर करना है। यस, ओके ओके। सेकंड वन, सी होम डू यू सी इन स्कूल, आप किसको स्कूल में देखती हो दोनों में से, ये क्या है? व्हाट इज दिस, फर्स्ट यू सेड व्हाट इज दिस, पुलिस, एंड दिस वन सर। तो आप स्कूल में किसको देखती हो? सर। तो सर को क्या करोगी, सर को कलर करोगी? यस, कलर नॉट ड्रॉइंग। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सर, यहाँ पे सर दिया है तो सर को कलर करना है। थर्ड वन इज वेयर डू यू गो इफ यू आर हर्ट, मतलब अगर आपको चोट लगती है तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? हॉस्पिटल। यस, तो इस दोनों में से हॉस्पिटल कौन सा है? दिस इज हॉस्पिटल, दिस इज मार्केट, प्लस साइन है यहाँ पे, देखो इट मीन दिस इज हॉस्पिटल। ओके, तो चलो फटाफट कलर कर लो। कलर बॉक्स कहाँ है आपका? उधर है। किधर है? कलर बॉक्स है, बोलो पाउच बोलो। हाँ पाउच, हाँ कलर पाउच उधर बिना, लेके आओ, लेके आओ, गो एंड ब्रिंग आउट। ओके, गो एंड ब्रिंग। ओके, जल्दी जाओ,
ओके मम्मी। सुमान भी यहाँ अपना होमवर्क कर रही है। आज घर बहुत ज्यादा मेसी हुआ है बिकॉज आज मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया है एंड बहुत सारा काम भी बचा हुआ, लंच कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। कल एक इंसिडेंट हो गया था, मतलब आज कल हमारा ऑफिस का एनिवर्सरी था, 6th एनिवर्सरी, उसका व्लॉग ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो क्या हुआ था ना, केक कटिंग पहले हो गया और कैंडल निभाना ही नहीं हुआ, तो वही मानवी को याद आया था। मानवी ने रिमाइंडर करवाया, पापा आपने तो कैंडल निभाया ही नहीं, पहले केक कटिंग कर दी। वही लेके हंस रही है ना मानवी, है ना। खुला ठीक है, चलो आप करो, हम आते हैं सब्जी बना के। ठीक है, कौन सा करना, एलिफेंट थोड़ी करना, कैबेज करना। कैबेज का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है ना, ग्रीन कलर करो। ये सर का, सर का कलर तुम ड्रेस का कलर करना और बोर्ड का कलर ब्लैक करना, ठीक है। और सर का पैंट शर्ट पहनाना, ब्लू कलर का पैंट या ब्लैक कलर का पैंट पहनाना, शर्ट ब्लू कलर का पहनाना, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, टेबल क्लीन कर देते। ओके चलो आप करो, ठीक है। स्विच ऑफ আছে, ফোনে সিম চেঞ্জ করেছি। নানু এই ঘন্টা দেড় ঘন্টা লেগে গেল বাসের মধ্যে, পুরো রাস্তা জ্যাম পুরো। ঘেটুরাই করেছে না, পাড়া থেকে ওদেরকে সরিয়ে দিয়েছে না।